टिंडर इन दुर्गा पूजा। यस, आपने सही सुना। मैंने जैसा कि सुना है और वीडियो देखा है कि कोलकाता में टिंडर बहुत चलता है और स्पेशली दुर्गा पूजा के समय, तो इसीलिए मैं आ गया हूँ कोलकाता और टिंडर के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कोलकाता की दुर्गा पूजा में क्या क्या होता है। ध्यान से सुनना, कोलकाता की दुर्गा पूजा में क्या क्या होता है। तो पहले तो यही होता है कि 1 से 2 किलोमीटर तक की लंबी लाइन होती है। अभी तो ये देखो, मैं अपोजिट दिशा में चल के, मेरे पास VIP पास था इसलिए मेरे पास स्पेशल एंट्री है और मैं बिना लाइन के लाइन तोड़ के जा रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पर लोग कम से कम 1-1 से 2-2 घंटे तक लाइन में लड़के लड़कियाँ बच्चे एजेड गाय भी यहाँ पे खड़े रहते हैं, तो बहुत ही भीड़ होती है दुर्गा पूजा के समय। और दुर्गा पूजा के समय कोलकाता तो देखने लायक रहता है। यहाँ पे एक कोलकाता पुलिस जो लिखा है, ये वॉलेंटियर है। वॉलेंटियर मतलब अपने मन से यहाँ पर कोलकाता पुलिस की हेल्प कर रहे हैं। तो कोलकाता में घूमते घूमते मैं पहुँच गया हूँ कहाँ पे, मैडोक्स स्क्वायर। और मैडोक्स स्क्वायर कोलकाता की एक फेमस जगह है। लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज इन कोलकाता, विजिटिंग प्लेसेज इन कोलकाता, टूरिस्ट प्लेसेज इन कोलकाता, बेस्ट प्लेसेज इन कोलकाता, थिंग्स टू डू इन कोलकाता, या फिर ये कहें पार्टी प्लेसेज इन कोलकाता, मैडोक्स स्क्वायर तो दुर्गा पूजा के समय 4 गुना ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। क्योंकि यहाँ का जो पंडाल होता है वो यूनिक होता है, जैसा कि ये वुडन पंडाल आपको दिख रहा है यहाँ पर इस साल का। फिलहाल ये वीडियो है 2 से 3 महीने पहले का, जब मैंने विजिट किया था, लेकिन मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। तो कोलकाता में जब आप आओगे तो ऐसे क्राउड मिलेगा और यहाँ की पब्लिक बहुत ही फ्रेंडली पब्लिक है, आपको फ्रॉडस्टर कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चीप, सब कुछ बहुत चीप है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, और बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लायक। लेकिन मैडोक्स स्क्वायर में घूमते हुए ही मुझे क्या मिल गया, टिंडर। मैं आपको ऑफलाइन टिंडर दिखाता हूँ, पहली बार देखा मैंने तो मैं भी भौचक्का रह गया बिल्कुल कि ये क्या है। तो दुर्गा पूजा के समय यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड प्रमोशन के लिए आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो टिंडर इन दुर्गा पूजा, इस भाई साहब से मैंने पूछा तो ये हंसने लगा। मैंने पूछा कि क्या आपको टिंडर से कोई मिला, तो इसे हंसने लगा और बोला कि ये तो मेरा काम है इसलिए मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आइसक्रीम वाला भी था। और लास्ट में मैं कोलकाता की एक ऐसी जगह घूमा जहाँ पे एक ऐसा पंडाल था और यहाँ पे ऐसी दुर्गा माता थी। पंडाल का नाम तो मैं भूल गया, बट कोलकाता मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, कोलकाता में चाहे टिंडर हो या फिर कुछ भी हो, आपको एक बार कोलकाता ज़रूर घूमना चाहिए।